दोस्तों आज की वीडियो उन लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो लोग यूट्यूब पे काफी टाइम से वर्क कर रहे हैं और काफी हद तक वीडियो डाल चुके हैं। 10, 20, 50, 100, 200, 300 काफी वीडियो डाल चुके हैं, लेकिन उनकी वीडियोस में व्यूज और सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है, उनकी वीडियो वायरल ही नहीं हो रही। वो काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि यार क्या किया जाए कि वीडियो में व्यूज और सब्सक्राइबर बढ़े। काफी वीडियोज भी यूट्यूब में देख चुके हैं कि व्यूज और सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं और कौन सी सेटिंग करें कि आपकी वीडियोस में व्यूज बढ़ने लगे, तो सारा कुछ देख लिया है, लेकिन उनकी वीडियोस में व्यूज और सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका सारा डाउट मैं क्लियर करने वाला हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक पूरा बने रहिए। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे चैनल वेबियो सपोर्ट। तो फ्रेंड्स, आप अपने यूट्यूब वीडियो में अच्छा खासा टाइटल लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, टैग्स भी लगाते हैं और अच्छा खासा थंबनेल भी लगाते हैं, फिर भी आपकी वीडियोस लोग देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, आपकी व्यूज नहीं बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं। जब तक आपके व्यूज नहीं बढ़ेंगे तब तक आपके सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको अपनी वीडियो में क्या ट्रिक फॉलो करना है जिसकी वजह से आपकी वीडियो में व्यूज और सब्सक्राइबर बढ़ने लगे, आज की इस वीडियो में आपको सारा कुछ मालूम चलने वाला है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि आपने जिस टॉपिक पे वीडियो बनाई है, जो भी कॉन्टेंट पे वीडियो बनाई है, क्या वो लोगों को पसंद आ रही है, क्या उसमें लोगों को इंटरेस्ट है कि नहीं है, लोग देखना पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपको सबसे पहले अपने कंटेंट पर ध्यान देना होगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको मैं 3 ऐसे कंटेंट्स के बारे में बताऊंगा जिसपे अगर आप वीडियो बनाते हैं तो आपकी वीडियो के वायरल होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वो कौन से ऐसे 3 कंटेंट्स हैं जिसपे आप वीडियो बनाएंगे तो आपकी वीडियो वायरल होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने यूट्यूब पे जितना भी वर्क किया है उसको आप एक साइड में रख दीजिए और आज से एक नया चैनल क्रिएट करिए, और नया चैनल क्रिएट करने के बाद जो मैं आज 3 कंटेंट आपको बताने जा रहा हूँ इस पे अगर आप वीडियो बनाते हैं, अच्छी खासी वीडियो बनाते हैं, तो आपकी वीडियो वायरल होने के 110% चांस बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो कंटेंट है वो आपको न्यूज चैनल से रिलेटेड कोई भी कंटेंट बनाना चाहिए। तो आज के टाइम काफी ज्यादा व्यूज और सब्सक्राइबर आ रहे हैं क्योंकि लोग आजकल लेटेस्ट चीजें, लेटेस्ट न्यूज देखना पसंद करते हैं। जैसे कि अभी बीच में बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र कुमार शास्त्री की न्यूज चल रही थी, बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही थी, काफी हद तक लोग देख रहे थे। जितने भी लोगों ने वीडियो डाली धीरेन्द्र कुमार शास्त्री की, उन लोगों की वीडियो वायरल ही हो गई, काफी ज्यादा, काफी हद तक लोग लाखों में उनके व्यूज आए, काफी लोगों ने उनकी वीडियो को देखा है, पसंद किया है। और इससे पहले जो मनोज दे के इवेंट की एक वीडियो आई थी, मनोज दे एक बहुत ही बेस्ट यूट्यूबर हैं, बहुत ही बड़े यूट्यूबर हैं, मिलियन में उनके सब्सक्राइबर हैं, उनका जो इवेंट हुआ था उनके इवेंट के ऊपर काफी लोगों ने वीडियो बनाई है और जिन लोगों ने उनके इवेंट के ऊपर वीडियो बनाए उनकी भी वीडियो काफी वायरल हुई है। तो इस तरीके से जो भी फेमस लेटेस्ट न्यूज चलती हैं आप अगर उस पे वीडियो बनाते हैं तो आपकी वीडियो के वायरल होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं सेकंड चैनल को सजेस्ट करता हूँ। तो सेकंड चैनल में आपको बच्चों के लिए कार्टून चैनल बनाना चाहिए, कार्टून वीडियोस बनानी चाहिए। अगर आप कार्टून वीडियोस बनाते हैं तो आपके वीडियो वायरल होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो आज के टाइम क्या है कि आजकल जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने स्कूल से आने के बाद 1-2 बजे जब भी छुट्टी होती है 1-2 बजे बाद आते हैं और खाना पीना खाने के बाद वो मोबाइल में वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं और उनको क्या है कि उनको कार्टून देखना ही पसंद है, तो वो तुरंत आप वीडियो खोलते हैं और देखने लगते हैं। तो अगर आप भी कार्टून वीडियो डालते हैं, कार्टून वीडियो बनाते हैं, तो आपकी वीडियो वायरल होने के चांस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं तीसरे कंटेंट को सजेस्ट कर रहा हूँ। तीसरे कंटेंट में आप कॉमेडी से रिलेटेड, कॉमेडी या फनी वीडियो से रिलेटेड आप वीडियो बना सकते हैं। तो कॉमेडी और वीडियो से रिलेटेड आप फनी वीडियोस बनाते हैं तो आपकी वीडियो वायरल होने के चांस इसमें भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि आज के टाइम में जो युवा पीढ़ी है 20 से 30 साल की जो पीढ़ी है वो आजकल ज्यादातर टाइम ये फनी वीडियोस, कॉमेडी वीडियोस देखने में स्पेंड कर रहे थे। आप अगर इस टाइम फनी वीडियो या कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं तो आपकी वीडियो वायरल होने के चांस इसमें भी बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यही 3 कंटेंट है जिसपे अगर आप वीडियोस बनाते हैं तो आपकी वीडियो 100% वायरल होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज से आपको क्या करना है, आज से आपको एक नया चैनल क्रिएट करना है और नया चैनल क्रिएट करने के बाद इन 3 कैटेगरी से जो भी आपको समझ में आती है वो कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लीजिए और उस पर अगर आप वीडियोस बनाते हैं तो आप 100% सक्सेसफुल हो जाएंगे यूट्यूब में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बेल आइकन प्रेस करते हुए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करें। धन्यवाद।